हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके अध्याय 5 लोक वित्त। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में हम जिस जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक में जो भी एग्जांपल आपको बताऊंगा उसको कोरिलेट करते हुए समझने का कोशिश करना। अगर आज का आप ये टॉपिक समझ गए तो आपको आगे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो हर साल जो बजट पेश किया जाता है उस बजट के आंकड़ों को पढ़ने और समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक एग्जाम्पल के साथ समझने का कोशिश करना। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके समझना, लेकिन आज के इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझना। देखिए बजट 2018-19, देखिए ये जो बजट है बजट 2018-19, इस साल जो बजट आया है इस साल 8 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो है आपका बजट 2019-20। लेकिन हम आर्थिक सर्वेक्षण में क्या पढ़ रहा है, बजट 2018-19। देखिए जब पिछले साल फरवरी 2018 में रमन सिंह के द्वारा जब बजट पेश किया गया था तो उस बजट में जो आंकड़े बताए गए थे वो आपके अनुमानित आंकड़े होते हैं। पिछले साल के बजट में जो आंकड़े बताए गए थे वो आपके अनुमानित आंकड़े थे। इस साल जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो फरवरी माह में ये आर्थिक सर्वेक्षण आया, इस आर्थिक सर्वेक्षण में उसी पिछले साल के बजट को लाया गया है, उसी पिछले साल के बजट के आंकड़ों को मेंशन किया गया है, लेकिन ये जो आंकड़े रहते हैं ये संशोधित आंकड़े रहते हैं। सरकार जब बजट पेश करती है तो वो अपने अनुमानित आंकड़े बताती है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में बजट के एक साल बाद जो आंकड़े आते हैं वो आपके संशोधित आंकड़े रहते हैं। अनुमानित आंकड़े और संशोधित आंकड़े में फर्क होता है। ठीक, देखिए बजट 2018-19 बजट होता क्या है, आय और व्यय के लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। आय और व्यय के लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। आम जिंदगी में जो हम भी अपने डेली रूटीन में जो खर्च करते हैं उसका भी यदि हम एक लेखा जोखा तैयार करें तो वो भी आपका बजट कहलाएगा। समझना, बजट क्या होता है, आय और व्यय के लेखा जोखा को हम बजट कहते हैं। आय जिसे प्राप्तियां भी कहा जाता है, व्यय जिसे खर्च भी कहते हैं। आपके इकोनॉमिक सर्वे में आपको जगह जगह पर इसमें राजस्व प्राप्ति, राजस्व आय ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो आय और प्राप्ति दोनों एक ही है। अब देखिए आज के इस टॉपिक में मैं तीन टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, उसको पहले समझ लो वो होता क्या है। एक होता है वित्तीय देनदारियां, दूसरा परिसंपत्ति और तीसरा होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। ठीक, वित्तीय देनदारियां, वित्तीय देनदारियां मतलब पैसे का लेन देन। ठीक, साधारण शब्दों में बता रहा हूँ। देखिए मैं कोई ज़्यादा हैवी आपका इकोनॉमिक सर्वे के एकदम डीप में जाके आपको चीज़ों को समझाऊंगा नहीं, एकदम साधारण शब्दों में हम समझने का कोशिश करेंगे। वित्तीय देनदारियाँ क्या होता है, पैसों का लेन देन। परिसंपत्ति एसेट्स, परिसंपत्ति मतलब आपकी संपत्ति, उसको संपत्ति समझ के चलिए, एसेट्स परिसंपत्ति या एक तरीके का प्रॉपर्टी समझ लीजिए। एक होता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। देखिए आपके पास एक खाली जमीन पड़ी हुई है, आपकी जो खुद की खरीदी हुई आपके पैसों से खरीदी हुई एक खाली प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो जो प्रॉपर्टी है वह आपकी परिसंपत्ति कहलाएगी। अब उस खाली पड़ी जमीन में आपने बिल्डिंग बना लिया और उस वहाँ उस बिल्डिंग के जितने भी रूम है उसे आपने किराए पर दे दिए और उससे हर महीने आपको कुछ ना कुछ इनकम हो रहा है, तो वो क्या हुआ, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। मतलब आपके पास परिसंपत्ति मौजूद है लेकिन वो आपको एक इनकम जनरेट करके दे रहा है, तो वो कहलाएगा उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। तो परिसंपत्ति और उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, अब देखिए ये जो आपका आय है और ये जो व्यय है या प्राप्तियां और जो व्यय है इसको समझना। ये जो राजस्व, ये जो आपका आय है ये दो भागों में बटा हुआ है, राजस्व आय पूंजीगत आय, वैसे ही व्यय दो भाग में बटा हुआ है, राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। अब इसका जो डेफिनेशन है मैं आपको एक एक लाइन में समझाऊंगा, देखना। राजस्व आय, अभी जो मैंने आपको तीन टर्मिनोलॉजी बताया उसी तीन टर्मिनोलॉजी में ये आपके चारों के डेफिनेशन आपके खत्म हो जाएंगे। राजस्व आय, राजस्व आय क्या होता है, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे ना तो किसी भी प्रकार की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और ना ही किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है। ऐसा सार्वजनिक आय जिससे ना तो किसी भी प्रकार की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है ना ही किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों में कमी होती, यानी इस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, पूंजीगत आय, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी होती है। देखिए इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि इसमें कमी आती है। ठीक, किसमें, देखिए पूंजीगत व्यय,
ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी आती है। अब समझना, अब इसको जो एग्जांपल बताऊंगा उस एग्जांपल से समझना, क्लियर हो जाएगा। राजस्व आय, राजस्व आय मैंने आपको क्या बताया, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे ना तो वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जब आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल आप जब छोटे थे तो आपके घर में कोई भी मेहमान आते थे तो मेहमान घर में रुकते थे और जाने के समय आपको कुछ ना कुछ पैसा देके जाते थे। मान लीजिए जाते समय उन्होंने आपको 100 रुपये दिया, ठीक। तो अब जब उन्होंने आपको 100 रुपये दिया तो उस 100 रुपये को आपने अपने जेब में रख लिया, मतलब वो क्या हुई, आपकी इनकम हुई, आपकी आय हुई, वो पैसा आपका है। उस पैसे के बदले में वो पैसा आपको मेहमान जाते समय जो पैसा आपको उन्होंने दिया मेहमान ने, उस पैसे को आपको लौटाना है क्या इन फ्यूचर में? नहीं लौटाना है, मतलब देनदारियां वहीं समाप्त हो गई, किसी भी प्रकार की देनदारियों में वृद्धि नहीं हुई। उसने पैसा दिया, पैसा आपने रख लिया, देनदारी वहीं समाप्त, यानी देनदारियों में वृद्धि नहीं हुई। ना ही परिसंपत्तियों में कमी हुई। परिसंपत्तियों में कमी मतलब अगर जो अगर वो जो मेहमान है, मेहमान ने आए और आपको वो पैसा दिया, उस पैसे के बदले में आप उन मेहमान को कुछ रिटर्न कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, मतलब परिसंपत्तियों में कमी नहीं हुई। तो ये एग्जांपल समझ जाएंगे, ऐसा सार्वजनिक आय जिससे ना तो वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और ना ही परिसंपत्तियों में कमी आती है। अब समझना पूंजीगत आय, इसका एग्जांपल समझना। पूंजीगत आय ऐसा सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है और परिसंपत्तियों में कमी आती है। मान लीजिए आपकी जेब में है 1000 रुपए, आप मार्केट में गए कोई सामान खरीदने के लिए, उस सामान की कीमत है 1500 रुपए, आपके साथ आपका एक दोस्त भी गया है। अब आपके पास 1000 रुपए, उस सामान की कीमत है 1500 रुपए, तो आप उस सामान को खरीदने के लिए अपने दोस्त से 500 रुपए उधार लेंगे और उसको इस शर्त पे उधार लेंगे उस पैसे को कि मैं कुछ दिनों बाद 10% ब्याज के साथ तेरे को ये तेरा पैसा लौटा दूंगा, ठीक। देखिए अब उसने जो आपको 500 रुपए दिया तो अब आपके जेब में आ गया कितना, 1500 रुपए। आपके जेब में 1500 रुपए है, आप इस 1500 रुपए का उपयोग अपने स्वयं के खर्च के लिए करने वाले हैं, तो ये हुआ आपका पूंजीगत आय। इस पूंजीगत आय का डेफिनेशन समझिएगा, पूंजीगत आय ऐसा सार्वजनिक आय जिससे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि होती है। वित्तीय देनदारियों में वृद्धि का मतलब उसने आपको पैसा दिया, आपको उसको पैसा लौटाना है, पैसा दिया पैसा लौटाना है, यहाँ पे वित्तीय देनदारियों में वृद्धि हो रही है। और परिसंपत्तियों में कमी, परिसंपत्तियों में कमी मतलब आप उसको 500 रुपये तो लौटाएंगे लेकिन कैसे, 10% ब्याज के साथ, यानी अपने जेब में से उस कीमत का 10% एक्स्ट्रा भुगतान करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, परिसंपत्तियों में कमी आ रहा है, ठीक। अब समझना व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, पहले इसका अब हम लोग थोड़ा ये आप आय को समझ लीजिए। और थोड़ा सा आय का अगर हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में बात करें, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो अलग अलग आपके टैक्स लगाती है, हमसे जो छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स वसूलती है, ये राजस्व आय के अंतर्गत, राजस्व आय का बता रहा हूँ। अगर हम इसको छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारे ऊपर टैक्स लगाती है उस टैक्स को वो वसूलती है, तो वो जो टैक्स वसूल कर रही है तो वो हो गई आपकी सरकार की राजस्व आय। उस टैक्स के बदले सरकार को कुछ पैसा, मतलब सरकार को हमें कुछ देना नहीं पड़ता, यानी हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं लेकिन उसके बदले में सरकार हमें कुछ दे रही है क्या? नहीं दे रही। ये मत बोलना कि सरकार हमको सड़क बना करके देती है, सरकार हमको अलग अलग प्रकार की रियायतें देती है, वो सब नहीं। सरकार पर्टिकुलर आपको कुछ दे रही है क्या? सरकार जो सड़क बना रही है वो सभी के लिए बना रही है, लेकिन हर कोई टैक्स पे नहीं करता। काफ़ी देखिए बहुत कम ही लोग टैक्स पे करते हैं। आपको मालूम होगा टैक्स का अलग अलग स्लैब होता है, हर कोई टैक्स के स्लैब के अंतर्गत नहीं आते। तो पर्टिकुलर आप जो टैक्स पे कर रहे हो तो सरकार आपको टारगेट करते हुए कुछ दे रही है क्या? नहीं दे रही। तो ये एग्जांपल है आपके राजस्व आय का, यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो अलग अलग, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार लीजिए या केंद्र सरकार लीजिए, जो अलग अलग प्रकार के जो टैक्स वसूलती है, कर वसूलती है, वो उसके राजस्व आय के अंतर्गत काउंट होती है। पूंजीगत आय, पूंजीगत आय के अंतर्गत मैंने क्या बताया, ऋण, ऋण और उधार आते हैं इनके अंतर्गत। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप सभी को मालूम है कि जो भूपेश बघेल की जो नई सरकार आई है वो किसानों का ऋण माफ़ कर रही है, लेकिन आप पेपर में ये भी पढ़े होंगे कि किसानों का ऋण माफ़ करने के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो RBI से लोन ले रही है, RBI से ऋण ले रही है, ठीक। एक साल के अंतर्गत लगभग उसने 6 बार ऋण ले चुकी है आपके RBI से, तो समझना इस चीज़ को।
जो आपका आरबीआई से जो छत्तीसगढ़ सरकार ऋण ले रही है, तो वो जो पैसा कहाँ आ रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के खजाने में। अब उसको वो स्वयं के लिए यूज करेगी, स्वयं के लिए यूज करेगी मतलब अपनी जनता के लिए यूज कर रही है। तो ये हो गया उसकी पूंजीगत आय, ठीक। यानी सरकार जो आरबीआई से, जो केंद्र सरकार से जो ऋण लेती है वो कहलाता है आपका पूंजीगत आय, ठीक। अब देखिए राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें एग्जाम्पल ज्यादा है, आपके थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, लेकिन इसको अगर आप समझ गए तो आप कभी भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने बैठेंगे या कभी भी बजट खोल के पढ़ने बैठेंगे तो आपको चीजों को समझने में आसानी होगा। तो इसलिए जो भी समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ठीक। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय का डेफिनेशन समझिएगा, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता, ऐसा राजस्व व्यय जिससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों का सृजन नहीं होता, क्या किसी भी प्रकार की परिसंपत्तियों का या एसेट्स का सृजन नहीं होता वो कहलाता है आपका राजस्व व्यय, ठीक। पूंजीगत व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है, ठीक। उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन, इसमें किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, इसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। तो अब समझना, अब जो एग्जांपल समझाऊंगा उसको समझना। राजस्व व्यय मैंने क्या बताया, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिसमें उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता या किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मुझे कहीं से मान लो लॉटरी लग गया और मेरे पास आ गए 10 लाख रुपए। अब उस 10 लाख रुपए का मैं दो तरीके से उपयोग कर सकता हूँ। पहला, उस 10 लाख रुपए को मैं अपने लिए लग्जरी आइटम लेने के लिए यूज कर सकता हूँ, कार ले लिया, एसी ले लिया, फ्रिज ले लिया। ये क्या हुआ, अपने मैंने स्वयं के उपभोग के लिए इन चीजों को यूज कर लिया, यानी उस पैसे को मैंने उड़ा लिया, ठीक। देखिए इसमें किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति या किसी प्रकार के उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हुआ नहीं। जिस पैसे को मैंने एक बार यूज कर दिया, उस पैसे को मैं दोबारा यूज कर सकता हूं क्या? इसमें इस पैसे को मैं दोबारा यूज नहीं कर सकता, तो वो कहलाता है आपका राजस्व व्यय। अब इसको हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो छत्तीसगढ़ सरकार जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री पेंशन योजना, कन्यादान योजना, ये जो योजनाओं में जो सरकार खर्च करती है, जो लोगों को पेंशन में जो पैसा बांटती है या जो कन्या विवाह में जो दिव्यांगजनों को जो पैसा देती है, उस पैसे के बदले में सरकारों कुछ इनकम होता है क्या उनसे? नहीं होता, यानी किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, तो वो कहलाता है आपका राजस्व व्यय। ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे किसी भी प्रकार की उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, राजस्व व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय, ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर से लॉटरी से कहीं से 10 लाख रुपए मिला, 10 लाख रुपए में से मैंने 3 लाख की जमीन खरीदी और उसमें 7 लाख का बिल्डिंग बना दिया। उस बिल्डिंग के जितने भी मकान थे उस सभी को मैंने किराए पे दे दिया। तो अब उस जो बिल्डिंग बनाई मैंने, सबसे पहले तो एक परिसंपत्ति का सृजन किया, 3 लाख रुपए की जमीन खरीदा तो एक परिसंपत्ति का सृजन हो गया। उस परिसंपत्ति के ऊपर मैंने बिल्डिंग बना करके उसे किराए पे दे दिया, तो ये क्या हो गया, उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। यानी उस परिसंपत्ति में से अब मुझे कुछ समय तक, जब तक मैं चाहूँ तो कुछ समय तक मुझे उस परिसंपत्ति में से इनकम होते रहेगा। इनकम हो रहा है मतलब उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति का सृजन हुआ है। अब इसे हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, मान लीजिए अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में था आपके चंदनोग्राम बेमेतरा में बनने वाला है 5वां शुगर मिल, तो जब छत्तीसगढ़ सरकार एक शुगर मिल बना रही है तो उस शुगर मिल को छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी, यानी एक परिसंपत्ति का सृजन की। अब उस शुगर मिल में से आपके गन्ने से आपके शक्कर बनाए जाएंगे, जब शक्कर को सरकार बेचेगी तो उससे सरकार को कुछ प्रॉफिट होगा, तो ये कहलाता है उत्पादन कोटि की परिसंपत्ति। यानी सरकार अगर कुछ कहीं निवेश करती है या यहाँ कहीं पे किसी प्रॉपर्टी पे अपना शेयर खरीदती है या किसी आपकी कोई फैक्ट्री डालती है जिससे सरकार को फ्यूचर में कुछ ना कुछ इनकम होने वाला है, वो कहलाता है आपका पूंजीगत व्यय के अंतर्गत काउंट होता है, ठीक। इतना समझ गए, बस इतने में ही आपका पूरा का पूरा बजट आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब इसमें हम आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। देखना, ये हो गया आपका आय, ये हो गया व्यय। आय दो भाग में होता है, राजस्व आय, पूंजीगत आय। व्यय भी दो प्रकार से होता है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। राजस्व और पूंजीगत में कंफ्यूज मत होना, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लेना, उसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करना। देखिए, राजस्व आय, पूंजीगत आय। राजस्व आय वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ये जो राजस्व व्यय रहा, सॉरी राजस्व आय,
ठीक, राजस्व आय रहा वो था आपका 72,867 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जो आपको सरकार को जो राजस्व आय हुई, सरकार को जो इनकम हुई वो थी आपकी 72,867 करोड़ रुपए। ठीक, अब ये जो 72,867 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व आय से इनकम हुई, आय हुई, प्राप्तियां हुई या राजस्व प्राप्तियां हुई छत्तीसगढ़ सरकार को, देखिए अभी जो राजस्व आय है ये फिर दो भागों में रहता है, एक होता है कर राजस्व और दूसरा होता है गैर कर राजस्व। कर राजस्व और गैर कर राजस्व, देखिए ये जो राजस्व आय या ये जो राजस्व प्राप्तियां हुई, ये राजस्व प्राप्तियां दो भाग में बटा हुआ है, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। यानी कुछ हिस्सा इस 72,867 करोड़ रुपए का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स से, यानी जो सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, कर अध्यारोपित करती है, उस टैक्स से सरकार को जो इनकम होता है या जो प्राप्तियां होती है वो कहलाती है आपकी कर राजस्व। गैर कर राजस्व यानी टैक्स के अलावा, सरकार ने जो टैक्स लगाया उस टैक्स से जो आपको सरकार को इनकम हुई वो कर राजस्व, लेकिन कुछ और भी ऐसे जरिया है जिससे सरकार को इनकम होती है यानी गैर कर राजस्व। कर के अलावा भी अन्य स्रोतों से जो सरकार को इनकम होती है वो कहलाती है आपकी गैर कर राजस्व। ठीक, अब समझना, सरकार को ये जो 72,867 करोड़ रुपए या राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार को कर राजस्व से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि सरकार को राजस्व प्राप्तियों में से सबसे बड़ा हिस्सा किससे प्राप्त होता है, उसमें पूछ देगा आपको कर राजस्व से, निगम कर से, आयकर से, गैर कर राजस्व से, तो ध्यान देना सरकार को राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। समझना है, देखो 67.22% 67.22% हिस्सा, 67.22% 67.22% हिस्सा कर राजस्व के रूप में आपको छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व प्राप्तियां होती है। ठीक, ये आपका 72,867 करोड़ रुपए है, इस 72,867 करोड़ का में से आपका 48,984 करोड़ रुपए आपके कर राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं। देख रहे कितना बड़ा हिस्सा है, 50% से ज्यादा, यानी 67.22% हिस्सा कर राजस्व के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त होता है। ठीक, अब ये 67% है तो गैर कर राजस्व से कितना मिलेगा, अप्रॉक्स 33% के आसपास या 32% के आसपास आपका गैर कर राजस्व से मिलेगा। हमारे लिए ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। इस कर राजस्व में पिछली वर्ष की तुलना में, ये जो आंकड़ा है आपका 48,984 करोड़ रुपए का, पिछली वर्ष की तुलना में इसमें 7.15% 7.15% 7.15% की वृद्धि हुई है। दोनों आंकड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों आंकड़े याद रखना। अब देखो ये जो कर राजस्व है, ये कर राजस्व भी आगे और क्लासिफाई होता है, हमको उतना डीप में जाना नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स आगे और क्लासिफाइड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये जो कर राजस्व है, कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपका निगम कर मत मीन्स कॉरपोरेशन टैक्स, आपका इनकम टैक्स, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू राजस्व कर, बिक्री कर, चुंगी कर, बिजली कर, ये सारे के सारे आपके टैक्स है जो कि कर राजस्व के अंतर्गत आते हैं। और ये जो इनकम टैक्स, निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, ये सभी के सभी मिलकर बनते हैं आपका कर राजस्व। छत्तीसगढ़ में जितनी भी इंडस्ट्री है उससे वसूला जाता है आपका निगम कर, तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि सबसे बड़ा हिस्सा आपका निगम कर से आता है, तो इसलिए कर राजस्व में जो बहुत बड़ा योगदान आपके राजस्व प्राप्तियों में होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अब जैसे मैं बोला था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऐसे टैक्स या ऐसे कर जिसे लगाती तो राज्य सरकार, सॉरी जिसे लगाती तो केंद्र सरकार है, ऐसा कर जिसे लगाती केंद्र सरकार है लेकिन वसूलती राज्य सरकार है वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें भी कुछ परसेंटेज बटा होता है, केंद्र सरकार का 55% हिस्सा होता है, राज्य सरकार का 45% हिस्सा होता है। उतने डीप में नहीं जाता जाना है हमको, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये कंटिन्यू वेरी होते रहता है। ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब लगाती केंद्र सरकार है और उसे वसूलती राज्य सरकार है। ठीक, डायरेक्ट टैक्स जिसे लगाती राज्य सरकार ही है और वसूलने का अधिकार भी राज्य सरकार के पास होता है, तो ये कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जांपल निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, इसे लगाती केंद्र सरकार है, वसूलती राज्य सरकार है। उसके नीचे भू राजस्व कर, आपका बिक्री कर, चुंगी कर, बिजली कर, इसे राज्य सरकार लगाती है और राज्य सरकार ही वसूलती है। इसको एग्जांपल के तौर पर याद रखना, लेकिन एक चीज याद रखना, राजस्व प्राप्ति वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार को जो राजस्व प्राप्ति हुई वो है आपका 72,867 करोड़ रुपए का, जिसमें लगभग 67.22% 67.22% हिस्सा कर राजस्व का है। ठीक,
अब देखना, गैर कर राजस्व यानी टैक्स के अलावा जो सरकार को इनकम होती है वो काउंट होती है आपके गैर कर राजस्व के अंतर्गत। गैर कर राजस्व, अभी पहले एग्जांपल समझ लो, गैर कर राजस्व मतलब निवेश से प्राप्त लाभांश। निवेश से प्राप्त लाभांश जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये पूंजीगत व्यय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने एक फैक्ट्री बना दी, उस फैक्ट्री से सरकार को इनकम हो रही है। यानी जैसे मंडवा ताप विद्युत संयंत्र बना दिया, मंडवा ताप विद्युत संयंत्र से बिजली का उत्पादन होगा, उस बिजली को छत्तीसगढ़ सरकार बेचेगी तो उससे सरकार को कोई इनकम होगी। तो सरकार ने क्या किया था, यहाँ पे निवेश किया था। तो निवेश से अब छत्तीसगढ़ सरकार को जो लाभांश प्राप्त हो रहा है वो गैर कर राजस्व के अंतर्गत काउंट होता है। ब्याज प्राप्तियां, छत्तीसगढ़ सरकार जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो ऋण देती है, छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार ले लीजिए, जो सरकार जो ऋण देती है तो उस ऋण से कुछ ना कुछ जो ब्याज की प्राप्तियां होती है वो काउंट होता है आपके गैर कर राजस्व के अंतर्गत। फिर है आपका अनुदान। अनुदान मतलब जो पैसा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को केंद्र सरकार से मिल गया, या किसी मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से छत्तीसगढ़ सरकार को किसी योजना के लिए अनुदान के रूप में मिला। अनुदान, अनुदान और ऋण में डिफरेंस होता है। ऋण ऐसा राशि जिसको आपको चुकाना है, इन फ्यूचर आपको वो पैसे को लौटाना है और कुछ ना कुछ ब्याज के साथ। अनुदान ऐसा राशि जो आपको मिल गया है और उस पैसे को आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। यानी आपको किसी योजना के लिए, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने कुपोषण मुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को 100 करोड़ रुपए अनुदान दिया, यानी उस पैसे का उपयोग वो अपनी योजनाओं में लगाएगा, उसे वर्ल्ड बैंक को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। अनुदान जिसे वापस लौटाना नहीं पड़ता, ऋण जिसे वापस लौटाना पड़ता है। तो ये होता है अनुदान। तो ये अनुदान राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। राष्ट्रीय मतलब जो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो आपके हो गए वर्ल्ड बैंक हो गया, ठीक। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से जो आपका पैसा मिलता है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय अनुदान के अंतर्गत काउंट होता है। अब समझना, ये जो गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान है। सरकार की राजस्व प्राप्तियों में जो गैर कर राजस्व है, गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के अनुदान के रूप में प्राप्त होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में प्राप्त होता है, निवेश से लाभांश के रूप में, ब्याज प्राप्तियों के रूप में, अनुदान के रूप में। तो याद रखना, केंद्र सरकार से जो अनुदान प्राप्त होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है गैर कर राजस्व में, ठीक। अब देखिए, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय जैसे मैंने बताया, उधार या ऋण, छत्तीसगढ़ सरकार जो केंद्र सरकार से या आरबीआई से जो ऋण लेती है वो उसके पूंजीगत आय के अंतर्गत काउंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जो आपको छत्तीसगढ़ सरकार जो ऋण दे रही है, जो किसानों को जो ऋण माफ कर रही है, यानी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा किया था किसानों की कर्ज माफी का, तो कर्ज माफी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के पास पैसे नहीं है, तो उसने क्या किया, आरबीआई से ऋण लिया, आरबीआई से ऋण लिया। तो वो जो आरबीआई से जो उसने ऋण लिया वो उसकी पूंजीगत आय के अंतर्गत काउंट होगा, ठीक। इसको समझ लेना। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका राजस्व व्यय। राजस्व व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में छत्तीसगढ़ सरकार को जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो व्यय किया, राजस्व व्यय किया, वो था आपका 68,422 करोड़ रुपए। 68,422 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्व व्यय किया। राजस्व व्यय मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए, राजस्व व्यय के अंतर्गत ये भी दो, आगे दो पार्ट में ये फिर डिवाइड होता है। ये है आपका योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय, या योजनागत व्यय गैर योजनागत व्यय। योजनागत व्यय को समझना, देखिए ये राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय हम समझ चुके हैं। राजस्व व्यय ऐसा सार्वजनिक व्यय जिससे किसी प्रकार की परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता, यानी हम स्वयं के उपभोग के लिए खर्च करते हैं, ठीक। तो ये राजस्व व्यय दो भाग में है, आपका योजनागत और गैर योजनागत। योजनागत के अंतर्गत, यानी योजनागत नाम से ही स्पष्ट है, यानी सरकार अपना जो सरकार के पास जो पैसा है उस पैसे को वो एक योजना बना करके, एक योजना बना करके पर्टिकुलर एक टारगेट करके, एक लक्ष्य निर्धारित करके उसके ऊपर खर्चा कर रही है। यानी सरकार को मालूम है कि मुझे ये पैसा कहां खर्चा करना है। गैर योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय मतलब सरकार को पता नहीं है कि इसके ऊपर इतना खर्चा होगा, सरकार को यह पता नहीं कि इसके ऊपर इतना खर्चा होगा, ठीक। योजनागत मतलब सरकार को मालूम है कि उसके पैसे कहाँ खर्च होने वाले हैं। गैर योजनागत मतलब सरकार को पता ही नहीं है कि इसी सेक्टर में भी पैसे खर्च हो सकते हैं, ठीक। अब समझना,
योजनागत व्यय, जैसे मैंने आपको बताया सार्वजनिक योजनाएं, सार्वजनिक योजनाएं जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मतलब सरकार को मालूम है कि इस योजनाओं में इतनी राशि की आवश्यकता है, तो इन योजनाओं के लिए वो अलग से पैसे पहले ही खर्च करने के लिए निकाल देती है। सार्वजनिक योजनाएं हो गए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, तो सरकार के पास एक आंकड़े मौजूद है, उस आंकड़ों के आधार पर सरकार इन सेक्टर्स पे या इन योजनाओं पर या लक्षित वर्ग पर खर्चा करने के लिए सरकार पहले से ही पैसा, उसको मालूम है कि उसका इतना पैसा इन इन जगहों पर खर्चा होने वाला है, तो ये कहलाता है आपका योजनागत व्यय। गैर योजनागत व्यय यानी सरकार को पता ही नहीं है कि उसका पैसा इन क्षेत्रों में भी खर्चा होगा, तो समझना ब्याज अदायगी। ब्याज अदायगी मतलब जो छत्तीसगढ़ सरकार जो आरबीआई और केंद्र सरकार से जो ऋण लेती है, तो जब उसने ऋण लिया तो उस ऋण का ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, ऋण का ब्याज चुकाना पड़ेगा। वो अब वो ब्याज क्या होता है, हर साल वेरी होता है, आरबीआई की पॉलिसी के अनुसार हर साल जो है ब्याज का परसेंटेज चेंज होते रहता है, तो ब्याज अदायगी ये फिक्स नहीं होता, इस कारण से सरकार पहले से अनुमान नहीं लगा सकती कि उसका कितना पैसा इन क्षेत्र में खर्च होगा। तो ब्याज अदायगी जो कि गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत काउंट होता है। सब्सिडी, सब्सिडी मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जो आपका एक प्रकार का जो सब्सिडी, सब्सिडी के अंतर्गत होता है कुछ फ्री, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सिलेंडरों के ऊपर सब्सिडी मिलता है, सिलेंडरों के ऊपर सब्सिडी, देखिए सिलेंडर जो है आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लोगों को या हितग्राहियों को 200 रुपए के अंशदान पर सरकार आपका गैस चूल्हा और आपका सिलेंडर दे रही है, लेकिन उस गैस चूल्हे के पीछे एक एक हितग्राही के पीछे छत्तीसगढ़ सरकार को 1530 रुपए का आपका सब्सिडी देना पड़ रहा है, यानी छत्तीसगढ़ सरकार को एक हितग्राही के पीछे 1530 रुपए का व्यय का वहन करना पड़ रहा है, तो ये काउंट होता है सब्सिडी के अंतर्गत। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो हितग्राही है उसका जो लक्ष्य है या जो उसका जो निर्धारित लक्ष्य है वो कंटिन्यू चेंज हो रहा है, हितग्राहियों की संख्या बढ़ रही है कम हो रही है, तो एक अनुमान लगाया नहीं जा सकता। तो ये जो सब्सिडी की जो राशि है, देखिए कई बार छत्तीसगढ़ सरकार हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, खाद्य में भी आपकी सब्सिडी देती है, खाद्य सुरक्षा में सब्सिडी मिलता है, जो आपका छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस चल रहा है, सार्वभौमिक पीडीएस जो हमने पिछले साल पिछले वीडियो में जो हमने सार्वभौमिक पीडीएस पढ़ा, उस सार्वभौमिक पीडीएस का जो खर्चा का अनुमान, ये एक नई योजना है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो खाद्य सुरक्षा में जो सब्सिडी प्रदान करती है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो उसने सब्सिडी प्रदान किया 1530 रुपए का, तो वो सब्सिडी भी आपका गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत काउंट होता है। प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रतिरक्षा सेवाएं ये तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है, जैसे आपका डीआरडीओ के हो गए, डीआरडीओ का खर्च हो गया, या जो जो बॉर्डर पे जो हमारे सेना है, जैसे आपको मालूम है अभी जम्मू कश्मीर में जो आपकी अतिरिक्त सेना वहां पे भेजनी पड़ी, तो उनका जो अतिरिक्त खर्चा या जो अतिरिक्त जो खर्चा है या जो अतिरिक्त जो व्यय हो रहा है उसका वहन है, सरकार को मालूम नहीं था कि जो आपका धारा 370 या आपका आर्टिकल जो 370 इतना सडनली हटा दिया जाएगा, मतलब ये क्या था, ये योजना पहले से नहीं थी, ये आपकी गैर योजनागत थी। तो ये जो प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो खर्चा होता है वो होता है गैर योजनागत व्यय। आपातकालीन सेवाएं, जैसे आप सभी को मालूम है अभी भारत भर के कई राज्यों में आपके बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो उनको आपातकालीन सेवाएं पहुंचाना है, ठीक। तो ये जो बाढ़ हो गए, भूकंप हो गए, ये पहले से प्लानिंग नहीं होती, ये प्री प्लानिंग नहीं होती, ये कभी भी हो जाती है, तो सरकार इसके लिए पहले से योजना बना के नहीं रखती, तो इनमें जो खर्च होता है ये होता है आपका आपातकालीन सेवाएं। वेतन एवं भत्ते, हर साल जो सरकार भर्तियां निकालती है उनको, जो हर साल नई नई भर्तियां निकलती है उनको दिए जाने वाले वेतन, उनके वेतन में वृद्धि, तो ये पहले से अनुमान नहीं होता, ठीक। तो ये जो वेतन एवं भत्ते है ये भी आपके गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, काफ़ी पहले पूछा गया था, गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं है, ब्याज अदायगी, सब्सिडी, प्रतिरक्षा या फिर आपका सार्वजनिक सेवाएं, तो सार्वजनिक सेवाएं शामिल नहीं थी। गैर योजनागत व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में आपका व्यय होता है, तो याद रखिएगा ये जो गैर योजनागत व्यय है इसका सबसे बड़ा हिस्सा आपका ब्याज अदायगी में जाता है। सरकार के पास का जो सबसे बड़ा जो राशि है वो ब्याज अदायगी के रूप में व्यय होती है, यानी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो ऋण लिया है उस ऋण के भुगतान में छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा या पैसा जाता है।
ठीक, अब समझना। अब यही चीज है, इसी चीज को मैंने यहां लिखा है, राजस्व आय। राजस्व आय कितना है? राजस्व आय है आपका 72,867 करोड़ रुपए। 72,867 करोड़ रुपए यह है आपका राजस्व आय। राजस्व व्यय, राजस्व व्यय कितना है आपका? 68,442 करोड़ रुपए। 68,442 करोड़ रुपए। अब मैंने क्या कहा, बजट क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। अब आय में से व्यय को अगर हम आय में से व्यय को अगर हम घटा दे, माइनस कर दे, तो ये हो गया आपका 4,445 करोड़ रुपए। 4,445 करोड़ रुपए ये राशि किसमें है? आपकी धनात्मक है, यानी ये कहलाएगी आपकी राजस्व आधिक्य। ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य। अगर यही आपका माइनस में आता, यानी व्यय जो है वो आय से अगर ज्यादा होता तो वो घाटा कहलाता, लेकिन यहाँ क्या है, जो आपका व्यय है वो आय से कम है, यानी यहाँ पे जो राशि है वो पॉजिटिव में आ रही है, तो ये कहलाएगा आपका राजस्व आधिक्य। राजस्व आय 72,867 करोड़ रुपए, राजस्व व्यय 68,422 करोड़ रुपए, राजस्व आधिक्य 4,445 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब समझना, छत्तीसगढ़ में कर राजस्व के मुख्य स्रोत, ये जो हमने पढ़ा ना, राजस्व प्राप्ति दो भाग में है, कर राजस्व गैर कर राजस्व। तो ये जो कर राजस्व है, कर राजस्व अलग अलग बटा हुआ है, निगम कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, भू राजस्व कर, बिक्री कर, चुंगी कर, बिजली कर। तो ये जो है इसमें से अब इतने सारे जो सरकार टैक्स लगाती है, डायरेक्ट टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो इतने सारे टैक्स में से इसमें क्या बोल रहा है, मुख्य स्रोत, यानी सबसे ज्यादा जो राशि है, सबसे ज्यादा जो आपका कर है, किस सेक्टर से मिलता है। अब समझना, यहां मैंने एक पाई डायग्राम बनाया है, देखिए ये है आपका 2019-20 के लिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बजट 18-19 या आर्थिक सर्वेक्षण 18-19, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपके अभी इस साल का जो बजट है, बजट 19-20 में आए हैं, तो इसको ध्यान समझ जाइए। जो मुख्य स्रोत के आंकड़े हैं, ये 19-20 के आंकड़े हैं, ठीक। ये देखिए, अब ये जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार को इस कर राजस्व, कर राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा SGST के रूप में प्राप्त होता है, स्टेट GST। GST दो प्रकार के होता है, एक होता है सेंट्रल GST, CGST, दूसरा होता है SGST यानी स्टेट GST। तो ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार को जो कर राजस्व प्राप्त हुआ वित्तीय वर्ष अभी 2019-20 के लिए, 19-20 के लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार को कर राजस्व प्राप्त हुआ, वो आपका 36% हिस्सा, यानी सबसे बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार को राज्य GST, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ठीक, स्टेट GST के रूप में प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर है आपका 22% हिस्सा कुल कर राजस्व का, 22% हिस्सा उत्पाद कर या उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद 16% हिस्सा बिक्री और व्यापार कर के रूप में प्राप्त हुआ। उसके बाद 9% हिस्सा बिजली कर के रूप में प्राप्त हुआ। 7% हिस्सा वाहन कर या व्हीकल टैक्स के रूप में प्राप्त हुआ, और बाकी का 10% हिस्सा अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सबसे बड़ा हिस्सा SGST के रूप में, उसके बाद 22% हिस्सा उत्पाद कर के रूप में, उसके बाद 16% हिस्सा बिजली और व्यापार कर के रूप में, 16% बिक्री और व्यापार कर के रूप में, 9% बिजली कर के रूप में, 7% वाहन कर के रूप में, और 10% अन्य स्रोतों से प्राप्त हुए। अगर आपसे सीक्वेंस पूछा, ज्यादा से यानी मैक्सिमम टू मिनिमम वाला सीक्वेंस में भी आपसे प्रश्न पूछता है, अगर पूछा कि छत्तीसगढ़ कर राजस्व में मुख्य स्रोतों का क्रम बताइए, मुख्य स्रोतों का क्रम सर्वाधिक से न्यूनतम बताइए, तो याद रखना है, देखिए SGST से 36% प्राप्त हुआ। SGST के बाद सेकंड नंबर पर है आपका उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी 22%। उसके बाद है आपका बिक्री एवं व्यापार कर, ठीक, बिक्री एवं व्यापार कर। अगर आपसे इस सीक्वेंस में आया तो इस सीक्वेंस को भी आपको याद रखना है, ठीक। तो चलिए, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का अगर वीडियो जो भी मैंने बताया या लेक्चर बाई चांस अगर फास्ट हुआ होगा तो वीडियो को एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, इसे समझने का कोशिश कीजिएगा। इसे अगर आप एक बार समझ गए, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो उसे नेट में भी सर्च कीजिए। इस टॉपिक को अगर एक बार समझ गए तो आपको बजट पढ़ने में और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में काफ़ी आसानी होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा टाइम निकल के वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। इसको मैं ज़्यादा बार बार बोलता नहीं हूँ, लेकिन आपके एक लाइक से भी वीडियो में काफ़ी फर्क पड़ जाता है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।